आखिर क्या होती है ये सीक्वल्स और क्या होती है मेकर्स को सीक्वल की जरूरत और केजीएफ का सीक्वल बनाने की क्या थी खास वजह। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। जब तक तेरे पाव चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेंगी। दोस्तों, फिल्म शोले का ये डायलॉग सिनेमा के सीक्वल के कंसेप्ट को समझने के लिए काफी अच्छा है। मतलब स्पष्ट है कि जब जब इंडस्ट्री में कुछ भी हिट होगा तो मेकर्स उसकी सफलता को दोबारा बनाने के लिए उसके सीक्वल पर जरूर विचार करेंगे। अब भले ही वो फिल्में हो, टीवी सीरियल हो, रियलिटी शोज हो या फिर वेब सीरीज ही क्यों ना हो। पुराने एग्जाम्पल देख लीजिए तो दोस्तों, सीक्वल हर उस फिल्म के नजर आएंगे जिन्हें फैंस ने उम्मीद से बढ़कर रिस्पॉन्स दिया। अब भले ही वो फिल्म धूम हो या फिर क्रिश, धूम फिल्म युवाओं में इतनी हिट हो जाएगी मेकर्स ने खुद नहीं सोचा था। अब लिहाजा सीक्वल आया, धूम 2 भी हिट हो गई, तीसरा पार्ट आ गया और वो भी हिट हो गया। यानी जब तक सीक्वल हिट होते रहेंगे मेकर्स इसके सीक्वल बनाते ही रहेंगे। अब कुछ ऐसी ही कहानी क्रिश और गोलमाल रेस सीरीज की भी है। अब दोस्तों, ऐसा ही रियलिटी शोज का हाल भी है। यही कारण है कि बिग बॉस का 14वां सीजन इस बार आएगा और दोस्तों टीवी शोज के साथ ही साथ वेब सीरीज भी इसी सिलसिले में आगे चल रही है। सेक्रेट गेम्स हो, मिर्जापुर हो या फिर द फाइनल कॉल, ऐसे तमाम वेब सीरीज हैं जिनके या तो दूसरे सीजन आ चुके हैं या फिर आने की तैयारी में है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि कहां से हुई सीक्वल्स की शुरुआत और कैसे आया सीक्वल्स का ट्रेंड। तो दोस्तों, सीक्वल में किन फिल्मों का नाम है शामिल और किन फिल्मों के सीक्वल बनाने की तैयारी है जारी। तो दोस्तों, ऐसे ही कई सवालों के जवाब मिलेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सीक्वल सिर्फ बॉलीवुड फिल्म के नहीं होते बल्कि साउथ फिल्मों में भी बनते हैं। साउथ इंडस्ट्रीज दौड़ में कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। अब तो हर दूसरी फिल्म का सीक्वल बनाने की तैयारी होती है। शायद दोस्तों यही वजह है कि साउथ की देखा देखी बॉलीवुड और कई टीवी शोज में इसका क्रेज कायम है। लेकिन अब क्यों पड़ती है सीक्वल्स की जरूरत? तो दोस्तों बता दूं कि सीक्वल की जरूरत उन्हीं फिल्मों पर होती है जिन्हें लोग पसंद करते हैं, जिन्हें उम्मीद से ज्यादा लोगों से प्यार मिलता है, उनके एक्टर एक्ट्रेस को लोग जानने पहचाने लगते हैं। अब दोस्तों, इसका सीधा सीधा एग्जांपल है फिल्म केजीएफ जो 2018 में आई थी और आते ही इसने ऐसी धूम मचाई कि मेकर्स ने इसके दूसरे पार्ट की अनाउंसमेंट कर दी। अब दोस्तों, इसी फिल्म से साउथ में यश को एक अलग फैन बेस मिला। हालांकि यश पहले भी साउथ इंडस्ट्री में काम कर रहे थे लेकिन पहचान फिल्म केजीएफ से ही मिली थी। अब दोस्तों, इसका सीक्वल यानी कि पहले पार्ट की कहानी को दूसरे पार्ट में आगे बढ़ाया जाएगा जिसमें प्रशांत नील ने अपने डायरेक्टर दिमाग चलाते हुए बॉलीवुड को भी मर्ज कर दिया और बॉलीवुड से भी ऐसे एक्टर्स जो खुद में ही फेमस है। अब दोस्तों, केजीएफ में अब संजय दत्त दिखेंगे अधीरा के किरदार में जो विलन के रोल में बॉलीवुड में पहले से ही फेमस है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत नील की स्ट्रैटेजी काम आएगी केजीएफ के सीक्वल को सफल बनाने में? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन।